नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कोई माने या ना माने, अमेरिका का साथ भारत के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि इजराइल और रूस का। जो लोग यह सवाल उठाते हैं कि भारत जिस तरह अमेरिका के साथ संबंध मजबूत कर रहा है, इससे वह रूस से दूर हो सकता है, पर यह लोग कभी इस तरफ ध्यान नहीं देते कि रूस भी इस वक्त चीन से अपने रिश्तों को बहुत ऊंचाई पर ले आया है। दोनों देश बहुत सारे मामलों में एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर से अमेरिका और पश्चिम एशिया के मामले में दोनों की राय ज्यादा जुदा नहीं है। पर इस सब के बावजूद न रूस और न ही भारत की तरफ से कोई ऐसी खटास उत्पन्न हुई है जिससे दोनों दोस्त मुल्कों के संबंधों की समीक्षा करनी पड़े। पारंपरिक और सदाबहार रिश्तों की समीक्षाएं होती भी नहीं है, बल्कि भविष्य के रिश्तों को मजबूत करने के लिए नए नए रास्तों की तलाश की जाती है। फिर भारत और अमेरिका के बनते नए गठजोड़ से जब रूस को कोई दिक्कत नहीं है तो इन लोगों को क्यों खुजली होती है। खास बात यह है कि अमेरिका भी यह कहता रहा है कि भारत से उसके रणनीतिक संबंध रूस से उसकी दोस्ती के आधार पर नहीं है, वह भारत और रूस के रिश्तों की अहमियत समझता है। इसका मतलब यह है कि एक तस्वीर के दो पहलू होते हैं, एक वह जो दिखाई देता है, दूसरे पहलू को हम खुद देखते और समझते हैं। इस वक्त भारत को अमेरिका से फायदा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पिछले कुछ सालों से अमेरिका ने सदैव भारत का साथ दिया है। रूस का सदाबहार मित्र होना तो सोने पर सुहागे जैसा हो जाता है। फिर जब ऐसे में भारत को अमेरिका से रणनीतिक और आर्थिक फायदे मिल रहे हैं, तो अगर इस वक्त भारत वह फायदे नहीं उठा सका तो यह दकियानूसी सोच ही कही जाएगी। भारत की नीतियों में गुटबाजी नहीं है, बल्कि गुट निरपेक्षता मौजूद है। इसलिए भारत में मौजूद अमेरिका विरोधी लोग पालेबंदी की बात करके जनता को भ्रमित करने का काम यदाकदा करते रहते हैं। हाँ, चीन के मामले में इनकी चोंच पर जरूर ताले लग जाते हैं। अमेरिका ने कल एक बड़ा बयान दिया है जिसके दुनिया अलग अलग तरह से मायने निकाल रही है। अमेरिका ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहता जो उसके प्रमुख साझेदार की रक्षा क्षमताओं को कमजोर करता हो। अमेरिका को यह बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान, चीन और तुर्की जैसे देश भारत को लेकर उस पर भेदभाव का आरोप लगा रहे थे। दरअसल भारत द्वारा रूस से अक्टूबर 2018 में $5 अरब के S-400 रक्षा प्रणाली समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसकी पहली किस्त दी जा चुकी है। इसके लिए रूस के साथ सैन्य हथियार खरीदने वाले देशों को अमेरिकी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई से संबंधित कानून काटसा को लागू करना था, मगर अमेरिका ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, जबकि तुर्की पर अमेरिका पहले ही इस कानून के तहत कार्रवाई कर चुका है। पर मामला तब और भी भारत से ज्यादा दुनिया को चौंकाता है जब कल ही अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि वह जानते हैं कि सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताएं जायज है, वह भारत की रक्षा क्षमताओं को कम करना नहीं चाहते हैं। अब ऐसा रास्ता निकालने की कोशिशें हैं जिससे रक्षा मामलों में भारत की रूस पर निर्भरता से कोई फर्क ना पड़े और भारत को प्रतिबंधों से बचा लिया जाए। यानी इसका मतलब यह है कि कानून बनाने वाला और कानून को लागू करने वाला ही खुद अपने ही कानून में कमी तलाश कर भारत को बचाने की घोषणा कर रहा है, पर नाटो सहयोगी तुर्की पर ऐसी कोई मेहरबानी नहीं की जाती है। बहुत से लोग या बाल बिखराए बुद्धिजीवी इसे अमेरिका के हथियार सौदागर के पहलू से जोड़कर देखते हैं, जिसका आशय यह है कि वे तस्वीर का कौन सा पहलू जनता को दिखाना चाहते हैं। भारत में मौजूद आज भी 60% से ज्यादा रक्षा उपकरण रूस या उसके सहयोग से निर्मित है। यह अमेरिका भी जानता है और यह बाल बिखराए बुद्धिजीवी भी कि अमेरिका भारत में रूस का स्थान कभी नहीं ले सकता है, पर वह 18 जुलाई 2006 में भारत और अमेरिका के बीच इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट का कभी जिक्र नहीं करते। इस डील के बाद ही भारत परमाणु शक्ति संबंध देशों में गिना जाने लगा था। तब अमेरिकी विरोधियों और चीन के प्रशंसकों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर इस डील को नहीं करने के लिए इतना दबाव बनाया था कि वे अपना इस्तीफा तक देने का मन बना चुके थे। तब भी इन लोगों ने जनता को ऐसे ही उल्टे सीधे प्रवचन दिए थे, पर आज 13 साल बाद भी भारत उसी शान या यूं कहे कि दुगने जोश के साथ खड़ा है। यह सब इसलिए है कि भारत गुटबाज नहीं, गुट निरपेक्ष देश है, लेकिन अमेरिकी विरोधियों का दिमाग निरपेक्ष नहीं है। अमेरिका में भारत मूल के लगभग 16 लाख भारतीय रहते हैं,
मैक्सिको और फिलिपिनो के बाद यहां सबसे बड़ी आबादी भारत मूल के लोगों की है। इनमें 2.5 लाख ऐसे भारतीय भी हैं जो वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी यहां रुके हुए हैं। अमेरिका भारतीयों की पहली पसंद होने का कारण रिश्तों में आए बदलाव को बयान करता है। 2.5 लाख लोगों का बिना वीजा अमेरिका में रुके रहना अमेरिका का भारतीयों के प्रति विश्वास भी दर्शाता है। फिर भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि भारत को मजबूत करने के पीछे अमेरिका की मजबूरी चीन है, तो इनके बाप का क्या जाता है? भारत को तो फायदा ही मिल रहा है, फिर चाहे अमेरिका की मजबूरी कुछ भी हो। वह भारत से ले कम रहा है, दे ज्यादा रहा है। हाफिज सईद और मसूद अजहर पर अमेरिका का साथ नहीं मिलता तो आज पाकिस्तान ना एफएटीएफ के शिकंजे में कुल मिला रहा होता, ना सीपैक पर कोई अड़चन आ पाती। पर यह इनका स्वभाव होता है कि पिछवाड़े पर उठी खुजली निकाह के वक्त भी नहीं रुकती। वह खुजलाता जरूर है, फिर निकाह होने के बाद ताउमर हाथ पिछवाड़े पर खुजलाने के लिए उठता ही रहता है। कुछ ऐसा ही ये बिखराए बालों वाले बुद्धिजीवी कर रहे हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।